हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के पास वीवो T3 Pro 5G मोबाइल फ़ोन है और आप अपने इस मोबाइल फ़ोन में ऐप लॉक सेटिंग का यूज़ करना चाहते हो या फिर आप अपने फ़ोन के किसी भी ऐप पर लॉक को सेट करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से ऐप पर लॉक को सेट करके उसका यूज़ कर सकते हो, आज के इस वीडियो में आप लोग को इसकी जो सेटिंग होती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो ये जो वीडियो या यदि यूज पर नॉलेजफुल होने वाला है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सो गाइस, आपको सिंपली से फोन में जो ऐप लॉक होता है उसे सेट करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग को ओपन करना होगा। आप जिस फोन की सेटिंग को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको आपके फोन की सेटिंग मिलेगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली से स्वाइप करके नीचे आना होगा। नीचे आते ही गाइस आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो यहीं पर आपको नीचे का ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का। तो आपको ये जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते यहाँ पर कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको स्वाइप करके नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी ऐप लॉक का नया पासवर्ड रखना है, पासवर्ड यहाँ पर दे देना होगा। देने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन होगा ऐप इनक्रिप्शन का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते यहाँ पर आपके फ़ोन की सभी ऐप आपको शो होने लग जाएगी। तो आपको यहाँ पर सिंपली से जिस भी ऐप को लॉक करना है उसके सामने इस बटन को ऑन करना है, ऊपर ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपके फ़ोन में ऐप लॉक लग जाएगा और आपने अभी जो भी ऐप लॉक यहाँ पर दिया होगा या फिर सेट करने के लिए दिया होगा, वो ऐप लॉक आप जब तक आप उस ऐप पर नहीं दोगे जब तक वो ऐप ओपन नहीं होगी। तो गाइस, कुछ इसी तरीके से आप भी अपने फ़ोन में ऐप लॉक सेटिंग का यूज़ कर सकते हो। वीडियो इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।